को दोबारा रोपित कर सके, दोबारा लगा सके, क्योंकि फसल लगाने के लिए पैसों की आवश्यकता पड़ती है, कम से कम बीज तो लाने ही होते हैं बाजार से। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का जो लेटर है वो भगवान के पास पहुंचता है, ये प्रश्न है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या ईश्वर उसको पैसा भेजते हैं, ये भी एक प्रश्न है। थिंक व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चन वुड बी, अब आपको खुद सोचना है कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। क्या भगवान तक लेटर पहुंचता है, क्या भगवान हमें धन भेज सकते हैं, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और आप इसका क्या आंसर सोचते हैं वो आपको ही सोचना है। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, और ये स्टोरी शुरू करने से पहले आप गेस करिए कि इसके क्या क्या पहलू हो सकते हैं, ठीक है। आप इसके आधार पर अपनी स्टोरी बना सकते हैं कि हाँ भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने उसको पैसा दिए, ऐसी भी कई कहानियां हैं, जैसे कि आप रामायण और महाभारत में देखते होंगे कि तपस्या करने के बाद ईश्वर प्रकट होते हैं और अपने भक्त की इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो क्या इस स्टोरी में भी ऐसा हुआ, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। कुछ दूसरी घटनाएं भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है और अंत तक आप मेरे साथ बने रहिए, जिससे कि आपको सुनने में मजा आएगा, मुझे सुनाने में मजा आएगा, और बाद में जब हमारी क्लास ओवर हो जाएगी तो आप कमेंट के द्वारा मुझे बताएंगे कि आपके मन में क्या क्या विचार उत्पन्न हुए, ठीक है। तो जो आप कमेंट करेंगे तो वो कमेंट आपके दोस्त लोग भी देखेंगे, आपके टीचर्स भी देखेंगे, और एक ग्रुप डिस्कशन का माहौल तैयार होगा, और इस ग्रुप डिस्कशन के माहौल से में हम बहुत सारी चीज़ों को सीख जाएंगे। जितना हम किताबों से सीखते हैं उससे ज़्यादा हम एक दूसरे से सीखते हैं, क्योंकि किताब भी किसी न किसी व्यक्ति ने लिखी होगी और उसके विचार हम तक पहुंच रहे हैं। इसी प्रकार हमें भी अपने विचार जो भी हमारे मस्तिष्क में आते हैं उनको दूसरों के साथ साझा करना बहुत ज़रूरी है, और यही पढ़ाई का मेन उद्देश्य होता है कि हम आपस में संबंध स्थापित करें और अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी, वन ऑफ द चीपेस्ट वे टू सेंड मनी टू समवन इज थ्रू द पोस्ट ऑफिस। आप जानते हो कि अगर आपको किसी को पैसा भेजना होता है तो सबसे सस्ता साधन जो है पोस्ट ऑफिस होता है, लेकिन आप मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, एग्री नहीं होंगे, क्योंकि आज के समय में हम इंटरनेट की दुनिया में जी रहे हैं और पैसे भेजने और रिसीव करने के लिए हम आजकल मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब ये कहानी लिखी गई थी तो उस समय सबसे सस्ता साधन जो है पोस्ट ऑफिस ही हुआ करता था। Have you ever sent or received money in this way? क्या आपने इस तरह से किसी को पैसे भेजे हैं या प्राप्त किए हैं पोस्ट ऑफिस के द्वारा? शायद नहीं किए होंगे। मुझे लगता है कि अगर आप क्लास 10 में हैं तो नहीं किए होंगे, लेकिन आपके माता पिता दादा दादी ने इस तरह पैसे भेजने और प्राप्त करने के लिए पोस्ट ऑफिस का जरूर उपयोग किया होगा। इसके बारे में आप अपने पिताजी से, माताजी से, दादा या दादा दादी जी अगर आपके हैं तो उनसे आप जरूर चर्चा कीजिए। हियर व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ आपको क्या करना है। एज यू रीड द इंस्ट्रक्शंस डिस्कस विथ योर टीचर इन क्लास द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स काउंटर। अब यहाँ पर आपको समझना है कि काउंटर क्या होता है। जानते हैं आप काउंटर क्या होते हैं? काउंटर होता है जहाँ पर आप लेन देन करते हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस का काउंटर। अगर आप पोस्ट ऑफिस के किसी कर्मचारी से कुछ लेन देन करना चाहते हैं तो आपको कहाँ खड़ा होना पड़ेगा? काउंटर पे। बैंक का काउंटर होता है जहाँ पैसे लेते हैं, चेक जमा करते हैं, ठीक है। दुकान का भी काउंटर होता है जहाँ पर आप लेन देन करते हैं। तो लेन देन करने के लिए जो एक विंडो बनाई जाती है उसको हम काउंटर बोलते हैं। काउंटर क्लर्क, काउंटर पर बैठने वाला जो क्लर्क है वो काउंटर क्लर्क होगा।
ऐसे कई क्लर्क होते हैं जो काउंटर पर नहीं बैठते हैं, वो अपना काम करते रहते हैं लेकिन लेन देन का काम जो है वो नहीं करते हैं पब्लिक से। एप्रोप्रिएट का मतलब क्या है? ठीक है, एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या है? काउंटर फाइल का मतलब क्या है? एप्रोप्रिएट मतलब उचित, सही तरीके से, नियम कानून के दायरे में, वो कहलाता है एप्रोप्रिएट। एक्नॉलेजमेंट, अगर आपने कुछ लेन देन किया है तो उसकी जो जानकारी है एक्नॉलेजमेंट कहलाती है। ये एक्नॉलेजमेंट आपको दिया जा सकता है, दूसरे कर्मचारी को दिया जा सकता है कि ऐसा लेन देन हुआ है, तो वो एक्नॉलेजमेंट है। काउंटर फाइल, काउंटर से जो आपको रसीद वगैरह मिलती है वो काउंटर फाइल कहलाती है। रिकॉर्ड, रिकॉर्ड का मतलब होता है दस्तावेज। ऑफिस में जो भी फाइलें रजिस्टर्ड होते हैं उसको रिकॉर्ड बोलते हैं। कंसल्ट डिक्शनरी इफ नेसेसरी, तो इन सब की मीनिंग आपको कहाँ ढूंढना है? डिक्शनरी में ढूंढना है। आजकल तो डिक्शनरी के लिए ऐप भी है, उस पर टाइप करिए, वहाँ पर आपको कोई एक नहीं सैकड़ों मीनिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो सभी का मीनिंग जानना है। इंग्लिश में ऐसे शब्द होते हैं जिनकी अलग अलग स्थानों पर मीनिंग बदल जाती है, उसका अर्थ बदल जाता है, तो उन सभी मीनिंग को जानना बहुत जरूरी है। आर देयर वर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू दीज इंग्लिश वर्ड्स इन योर लैंग्वेज? तो ये जो इंग्लिश के वर्ड हैं उसका आपकी लैंग्वेज में, आपकी कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु में, उसको क्या बोलते हैं? हिंदी में तो जानना जरूरी ही है, लेकिन आपकी लैंग्वेज में इंग्लिश के वर्ड की क्या मीनिंग है उसको भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा एक काम दे रहा हूँ, जो अभी इंग्लिश के वर्ड मैंने आपको बताए, जैसे काउंटर, काउंटर क्लर्क, एप्रोप्रिएट, एक्नॉलेजमेंट, काउंटर फाइल, रिकॉर्ड, इनकी मीनिंग तो हिंदी में आप मुझे टाइप करके भेजेंगे, कुछ हद तक तो मैंने ही आपको बता दी है इनकी मीनिंग। अगर आप दूसरी भाषाओं के स्टूडेंट हैं या छात्र हैं, जैसे मराठी, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, तो आपकी भाषा में इन शब्दों को क्या है, उनकी मीनिंग क्या, अर्थ है, इसको आप कमेंट बॉक्स में करके मुझे बताएंगे। इससे मैं तो सीखूंगा ही, क्योंकि आप दूसरी भाषा के जानने वाले स्टूडेंट हैं, और साथ ही आपके जो मित्र होंगे जो यूट्यूब चैनल में मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वो भी इसका लाभ उठा पाएंगे, तो ऐसा आपको जरूर करना है। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि मेरे चैनल का उद्देश्य जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में महारत हासिल करना है। तो चलिए अब इस पूरे पैराग्राफ जो कि आपने इंग्लिश में पढ़ा है उसको एक बार हिंदी में उसको ट्रांसलेट करके पढ़ लेते हैं, जिससे कि ये जो पैराग्राफ है आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, इसको आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। चलिए, हाँ, तो ये जो पैराग्राफ पढ़ा है उसका ये हिंदी अनुवाद है। देखिए, आपके पढ़ने से पहले वे कहते हैं कि विश्वास पहाड़ों को हिला सकता है, लेकिन हमें अपना क्या रखना चाहिए? भरोसा जताना। इसका मतलब हमें भरोसा रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। यही प्रश्न इस कहानी में नाजुक ढंग से उठाया गया है। एक किसान है जो अपनी फसल के समय भगवान को एक पत्र लिखता है कि उस वो फसल जो है उसकी बर्बाद हो गई है, 100 पैसों की वो 100 रुपए की मांग कर रहा है। क्या लेंचो की चिट्ठी पहुंचती है परमेश्वर तक? एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या भगवान उसे पैसा भेजता है? सोचें कि आपके उत्तर क्या है, ये सवाल होंगे, और अनुमान लगाइए कि कहानी कैसे आगे बढ़ती है। पहले आप इसे पढ़ना शुरू करें, गतिविधि, इस पर आपको एक एक्टिविटी भी करनी है ना? क्या एक्टिविटी करना है? किसी को पैसे भेजने का सबसे सस्ता तरीका डाक है, डाकघर है। क्या आपने कभी इससे पैसा भेजा या प्राप्त किया है? यहाँ आपको क्या करना है, जैसा कि आप निर्देश पढ़ते हैं, कक्षा में अपने शिक्षक से इन शब्दों के अर्थ पर चर्चा करें। काउंटर, काउंटर क्लर्क, एप्रोप्रिएट का मतलब होता है उपयुक्त। ठीक है, काउंटर के लिए कोई हिंदी
का शब्द नहीं है, काउंटर इंग्लिश से ही बोलते हैं और हिंदी से ही बोलते हैं। काउंटर क्लर्क को इंग्लिश और हिंदी से काउंटर क्लर्क ही बोलते हैं। अप्रोप्रिएट के लिए क्या शब्द है हिंदी में? उपयुक्त। काउंटर फाइल के लिए क्या शब्द है? पावती, है ना। एक्नॉलेजमेंट के लिए क्या है? प्रतिपण। रिकॉर्ड को रिकॉर्ड ही बोलते हैं। आदि आवश्यक हो तो एक शब्द कोश से परामर्श लें, क्या कोई शब्द है आपकी भाषाओं में इन अंग्रेजी शब्दों के अनुरूप। तो इस तरह से मेरे पढ़ाने का तरीका है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको ज्ञान प्रदान करता हूँ। अब मैं आपसे सलाह लेना चाहता हूँ कि मेरे पढ़ाने का ये तरीका आपको कितना पसंद आया, इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखेंगे। साथ ही आगे का कहानी जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो इस कहानी पर हम बने रहेंगे और इसके बाद हम इसके प्रश्नोत्तर को भी हल करने की कोशिश करेंगे। तो सब्सक्राइब करिए, लाइक कर दीजिए, जिससे इस तरह के क्लासें आपको मिलती रहें भविष्य में। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि आपके दोस्त इस कहानी के बारे में जाने सीखें। अगर आपका दोस्त कक्षा 10 में नहीं भी है तो आप किसी भी परिचित या रिश्तेदार के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती और कहानी सबको प्रिय होती है, चाहे वो कक्षा में पढ़ता हो, बड़ा हो गया हो, बूढ़ा हो गया हो, कहानी सबका मनोरंजन करती है। तो इसी के साथ अलविदा, मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी का धन्यवाद।